गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स वेलकम टू माई चैनल मास्टरी विद पारुल बिफोर दिस अ सिंपल रिक्वेस्ट टू यू इफ यू हैव नॉट सब्सक्राइब माई चैनल प्लीज सब्सक्राइब माई चैनल एंड प्रेस दी बेल आइकन राइट नेक्स्ट टू इट तो फ्रेंड्स आज हम कवर करने वाले हैं वेरी 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 इंपॉर्टेंट टॉपिक ऑफ सीट एट इस टॉपिक से डेफिनेटली एग्जाम में आता जरूर है क्वेश्चन तो इसे बहुत अच्छे से इस कॉन्सेप्ट को तैयार करेंगे बिना टाइम वेस्ट किए स्टार्ट करते हैं तो फ्रेंड्स प्याजे थ्योरी ऑफ कॉग्नेटिक डेवलपमेंट स्टार्ट यहीं से करेंगे प्याजे ने क्या सिद्धांत दिया आपका कॉग्नेटिक डेवलपमेंट संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत दिया ये एक स्विस साइकोलॉजिस्ट थे और इनकी जो थ्योरी थी वो उन, उन्होंने नाइनटीन थर्टी सिक्स में दी ठीक है कुछ बातें हम यहाँ से आ, आपको बताएंगे यहाँ से क्वेश्चन इतना ज़्यादा नहीं बनता है बस यहाँ ध्यान रखिए नाइनटीन थर्टी सिक्स में उन्होंने ये थ्योरी दी मेन बात क्या है इनका जो टर्म था द टर्म कॉग्नेटिक रिलेटेड टू पर्सन कॉन्शियसनेस ऑफ हिज माइंड ठीक है ये किससे रिलेटेड था कॉन्शियसनेस से ठीक है विच मेक हिम एक्टिव जिसकी वजह से कोई भी बच्चा एक्टिव रहता है ओके कॉग्नेशन कॉग्नेशन इंक्लूड एक्टिविटी लाइक रीजनिंग थिंकिंग अब कॉग्नेशन में आपकी क्या क्या चीज़ आ गई रीजनिंग आ गई थिंकिंग आ गई ये चीज़ इसका कॉग्नेशन का पार्ट है यानी कि आपके माइंड से रिलेटेड है ठीक है जिसका मेंटल स्किल अच्छा होगा उसकी रीजनिंग थिंकिंग इन सब की जो पावर होगी वो बहुत ज़्यादा होगी अब प्याजी ने क्या ऑब्ज़र्व किया इंटेलेक्चुअल एबिलिटीज़ उसने उन्होंने क्या कि ऑब्ज़र्व की ठीक है और साथ ही उन्होंने क्या बताया इन्होंने ये भी बताया कि अपनी थ्योरी में कि जो बच्चे होते हैं वो एडल्ट से थोड़ा डिफरेंट सोचते हैं आप जैसे हम हैं हम क्या सोचेंगे भाई हमें क्या अपनी लाइफ में करना है हम क्या कर सकते हैं अपनी लाइफ को और अच्छा कैसे बना सकते हैं हम औरों के बारे में क्या सोचते हैं पर बच्चों को क्या है बच्चों को इस चीज़ से मतलब नहीं है उनका टॉय कहाँ खो गया उनका फ्रेंड कब आएगा ठीक है ना वो एज एज के अकॉर्डिंग हर एक की जो थिंकिंग है वो डिफर है तो इन्होंने एज के अकॉर्डिंग स्टेजेस पर ज़्यादा ध्यान दिया प्याजी ने नेक्स्ट पर चलते हैं तो फ्रेंड्स यहाँ से आपको ध्यान रखना है यहाँ से जो क्वेश्चन आपका पुटअप होता है वो क्या है उन आपसे पूछ लिया जाएगा कि प्याजे का जो सिद्धांत है वो किस चीज़ पर बेस्ड है तो उन्होंने कॉग्नेटिक डेवलपमेंट का सिद्धांत दिया ये टर्म आपको ध्यान रखना है यहाँ साथ ही आपको ध्यान रखना है कि प्याजे जो थे उन्होंने क्या बताया कि उन्होंने चिल्ड्रन प्रोग्रेस थ्रू अ सीरीज ऑफ की फोर स्टेजेस ऑफ कॉग्नेटिक डेवलपमेंट उन्होंने फोर स्टेजे स्टेजेस बताई हैं क्वेश्चन यहाँ से भी बन जाता है कि पियाजी ने कॉग्निटिव डेवलपमेंट की कितनी स्टेजेस बताई हैं तो आपको याद रखना है फोर स्टेजेस बताई हैं ईच स्टेजेस आर मार्क बाय अ शिफ्ट हाउ किड अंडरस्टैंड द वर्ड कि बच्चे जो होते हैं वो वर्ड को कैसे अंडरस्टैंड करते हैं भाई सबका अपना-अपना बिलीव है तो बच्चे क्या उन्होंने बताया बच्चे जो होते हैं लिटिल साइंटिस्ट होते हैं इस पर उन्होंने फोकस किया कि बच्चे हैं एक लिटिल साइंटिस्ट हैं अब आपने देखा होगा मेरा युवान जो है वो क्या करता है मेरे मैं जितनी भी पेन रख देती हूँ ना उन सबको खोल खाल के फेंक देता है मतलब काम के टाइम पे मुझे एक पेन घर में नहीं मिल सकता उसका रीज़न क्या है उसको आगे से पीछे से सब कुछ निकाल के फेंक देना होता है वो जानने की कोशिश करता है कि इसमें एक्चुअल में ये कैसे फिट हो रहा है तो सेम थिंग है जो छोटा बच्चा होता है वो सेंसेस से अपनी ग्रेस्प करता है चीज़ों को जो थोड़ा सा इस एज से बाहर निकलता है वो उसको और ज़्यादा एक्सप्लोर करता है ठीक है तो ये चीज़ इन्होंने बताई प्याजी ने कि एक लिटिल साइंटिस्ट है वो एक्सप्लोर करता है अपनी एक्टिविटीज़ को ठीक है अब छू कर देख कर सुन कर तो ये ये चीज़ उन्होंने अपनी स्टेजेस के अकॉर्डिंग फोर स्टेजेस के अकॉर्डिंग कि हर स्टेज में वो एज के अकॉर्डिंग कैसे कैसे अलग अलग क्या दिखाएगा अपने एक्टिविटी शो करेगा अब ये इंपॉर्टेंट है फ्रेंड्स यहाँ पे ध्यान रखिए प्याजी थ्योरी ऑफ कागनेटिक डेवलपमेंट इसमें इन्होंने दो चीज़ काग्नेटिक डेवलपमेंट की थ्योरीज में उन्होंने दो चीज़ बताई हैं एक तो बताई हैं आपको ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट है यहाँ से क्वेश्चन आया है तीन से चार क्वेश्चन में बार बार इम्फेसिस कर रही हूँ इन दोनों टॉपिक से आए हैं तो आपको इसे डिटेल में और अच्छे से समझना होगा मैं आपको पूरा एक एक पॉइंट क्लियर करूंगी देखिए यहाँ फोर स्टेजेस बताई हैं सेंसरी मोटर स्टेज प्री ऑपरेशनल स्टेज कॉन्क्रीट स्टेज और फॉर्मल स्टेज ये फोर स्टेजेस हैं इसी टाइप से इनके जो कॉग्नेटिव प्रोसेसेस हैं वो क्या हैं स्कीमाज है एसीमेशन है अकोमोडेशन है इक्विलिब्रेशन है तो ये चारों चीज़ इधर भी स्टेजेस और कॉग्नेटिव प्रोसेस आपको ये चीज़ें पता होनी चाहिए प्याजी की थ्योरी में तो फ्रेंड्स यहाँ मैंने आपको दिखा रखा है कि एक छोटा बेबी है उसकी जो एक्टिविटी होंगी वो डिफ़र होंगी फिर सेकंड नंबर पे जो उसकी एक्टिविटी सेकंड स्टेजेस में अलग होंगी थोड़ा सा और बड़ा होगा तो उसके अंदर क्या अलग चेंजेस आएंगे फिर और बड़ा होगा तो उसमें क्या चेंजेस आएंगे ये स्टेजेस के अकॉर्डिंग है तो मूव करते हैं नेक्स्ट पे देखिए ये इंपॉर्टेंट टेबल है यहीं से आपको लर्न करना है तो यहाँ हम देखेंगे बर्थ टू बर्थ टू टू ईयर जो फर्स्ट स्टेज है हमारी वो क्या है बर्थ से टू ईयर तक यानी जब बच्चा पैदा होता है उसी से उसके सेंसरी मोटर डेवलप होने लगते हैं यूजेज सेंसेस एंड मोटर स्किल आइटम नोन बाई यूज क्या कर रहा है वो अपनी सेंसेस का यूज़ कर रहा है इस स्टेज में ठीक है सेंसेज का स्टेज आप देखा होगा छोटा बच, बच्चा छः महीने तक तो उसको पता ही नहीं होती ऑब्जेक्ट परमानेंस आ जाती है ये बड़ा इंपॉर्टेंट है टॉपिक यहाँ इसे हाईलाइट भी कर लीजिए ठीक है कैसे ध्यान रखेंगे इसे नोट करके रखिए जो भी मैं आपको बता रही हूँ आपको बड़ा काम आने वाला है ये सब ओके के वी हो के वी एस ओ डी ट्रिपल एस बी ओ या फिर आप सी टेट तो यू पी टेट तो क्वालीफाई कर ही जाएंगे जब इतने अच्छे अच्छे वीडियो आप देख रहे हैं इतनी मेहनत से बनाए हुए हैं रात के दो बजे उठ के मैंने ये वीडियो बनाया है आपके लिए कोई बात नहीं बट आप ध्यान रखिए देखिए ऑब्जेक्ट परमानेंस आ जाती है अब आप सोच रहे होंगे ये टॉपिक क्या है ऑब्जेक्ट परमानेंस में क्या होता है कि जो बच्चा होता है छोटा बेबी होता है उसके सामने हमने देखा है ना आप करते हो ता ता तो वो आपको देख के खुश होता है जैसे आपने आंखों पे हाथ रख लिया और फिर करो ता तो उसे दिख रहा है कि मतलब जैसे आपने आंखों पे हाथ रखा तो वो सोचेगा कि आप गायब हो गए अब जब तक उसके सामने वो चीज़ है है ना तभी तक उसको मेमोरी में रहेगी लेकिन फिर बाद में क्या होता है छः महीने के बाद उसको ये लगने लगता है भाई अब छे छः महीने नहीं आपके मानिए ग्यारह महीने से बच्चे को पता चल जाता है ये मेरी चीज़ है उसके सामने वो ऑब्जेक्ट हो या ना हो सो पता होगा ये मेरी चीज़ है ठीक है तो ये कब आने जाता है ऑब्जेक्ट परमानेंस लर्न हो जाता है उसे कि ये मेरी पर्टिकुलर मेरी चीज़ है और ये कैसे अब बच्चा क्या करता है आपने देखा होगा कभी कभी किसी चीज़ गर्म चीज़ पे हाथ लगा देगा तो वो एक्सप्लोर कर रहा है हर चीज़ को छू छू के देखता है मतलब उसके सामने खाना पड़ा है तो वो अब चलना स्टार्ट कर रहा है थोड़ा थोड़ा घुटने से तो वो क्या करेगा उसको छू के देखेगा सेंसेस की हेल्प से उसको छुएगा देखेगा ठीक है ना ये सारी चीज़ें उसके अंदर बर्थ से टू ईयर तक रहती हैं नेक्स्ट समझिए आप ये जो होता है आपका ये टू से टू से सिक्स ईयर प्री ऑपरेशनल पहले आपको याद रखना है ये हेडिंग आपको ध्यान रखनी है किस पहली स्टेज जो है वो सेंसरी मोटर स्किल है क्या है सेंसरी मोटर स्किल सेकेंड जो वो ऐसे क्वेश्चन आ जाता है कि सेंसरी मोटर स्किल कब से कब तक होती है तो आप याद रखेंगे बर्थ से टू ईयर और उसमें क्या आ जाता है बच्चे में ऑब्जेक्ट परमानेंस किसकी हेल्प से सेंसेस की हेल्प से याद आएगा यहाँ से याद रखिए सेंसेस है ना ये वर्ड तो सेंसेस वर्ड जो है आपका वो कहाँ से ड्राइवड हुआ है आपका सेंसेस से हुआ है सेंसेस का यूज करके ठीक है सेकेंड हम चलते हैं प्री ऑपरेशनल स्टेज ये इसकी प्री ऑपरेशनल स्टेज है सेकेंड स्टेज जो कि कब होती है दो से छ छः साल का जब बच्चा होता है तब तक तब तक होती है ठीक है तो यहाँ आपको पहले तो यहाँ डाउट नहीं रखना है यहाँ पे आपको ये लर्न होनी चाहिए सेंसरी मोटर प्री ऑपरेशनल कॉन्क्रीट ऑपरेशनल फॉर्मल ऑपरेशन ठीक है तो ये ये इसमें सेकेंड वाले ऑप्शन में क्या होता है आपका दो तो दो से छ ईयर वाले में सिम्बॉलिक थिंकिंग यूज लैंग्वेज यूज ईगो सेंट्रिक थिंकिंग अब यहाँ पे क्या है इसकी सिम्बॉलिक थिंकिंग डेवलप होने लगती है कैसे इसे कैसे समझेंगे अब देखिए इम और ऑब्जेक्ट परमानेंस की जगह यहाँ क्या हो जाता है इमेजिनेशन करने लगता है बच्चा एक्सपीरियंस उसके और बढ़ने लगते हैं चाइल्ड डी सेंटर हो जाता है है ना अब देखिए सिम्बॉलिक थिंकिंग आपने देखा होगा कि बच्चे को इस वाली एज में अभी क्या होगा कि भाषा का विकास होने लगता है छोटे छोटे वर्डों को वो क्या करता है नकल करने लगता है जो आप बोलेंगे कहते हैं ना अगर आप उसके सामने अच्छी अच्छी बातें कर रहे हैं तो वो वही वही सीखेगा और आपने एक ऐसे माहौल में डाल दिया जहाँ बच्चे को अब्यूसिंग वगैरह ये सब चीज़ तो बच्चा उसे कॉपी करता है और कुछ लोग तो शौक़ में इस चीज़ को कराते हैं कि बच्चा उन, उन, उन्हें ये चीज़ें सुननी अच्छी लगती हैं भैया तो थोड़ा तो ला के बोल रहा है लेकिन अच्छा लग रहा है उन्हें सुनने में ठीक है ना तो ये सब क्या है आपका ये सिंबॉलिक थिंकिंग आप इमेज की इमेजिनेशन पावर उनकी इंक्रीज़ कर रहे होते हैं आप बुक देते छोटे बच्चों के बड़े 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 फिगर होते हैं और उससे आप लर्न कराने की कोशिश करते हो ठीक है आपने फिंगर रखी ये बेटा व्हाट इज़ दिस तो वो बताएगा मैं मम्मा ए फॉर एप्पल करता है हमारा युवान ठीक है तो आप इसको ना मतलब ये चीज़ समझने का मतलब है ये आप अपनी प्रैक्टिकल लाइफ से सीख सकते हो आपकी सराउंडिंग में जो बच्चे हैं उन्हें ऑब्जर्व करो मेरे बट टू टू ईयर इस वाली स्टेज में मेरे सामने नेबर हैं उनकी बेटी है अब उसको देखती हूँ अपना युवान हो के आए इस स्टेज से ठीक है और आपके जो आपके सराउंडिंग में जो बच्चे हैं उनसे आप इस चीज़ को समझ सकते हैं लिंक करके याद रख सकते हैं कि वो बच्चा कैसे करता है बच्चा हर कोई वेरी करता है एक दूसरे से सेम नहीं होते बट कुछ हरकतें सेम ही होती हैं जैसे लैंग्वेज डेवलपमेंट है वो आपका दो से छ साल के अंदर होना ही होना है ठीक है ईगो हो जाता है ईगो थिंकिंग का मतलब यहाँ तो यहाँ ईगो का मैंने आपको बताया कॉल आ गया था बीच में कोई नहीं ऐसे बीच में होते रहते हैं काम ईगो का, का मीन्स आप ऐसे समझिए मैं फ्रेंड्स कि आप बच्चे को देखते हो ना उसकी मम्मी उसके पापा अगर कोई हार्ट टच करेगा तो क्या हो जाएगा वो भैया बरस पड़ेगा ठीक है ना उसकी मम्मी की कोई चीज़ हाथ नहीं लगा सकता उसके पापा की चीज़ कोई हाथ नहीं लगा सकता होता है आपने देखा होगा छोटे बच्चे ये हरकत करते हैं ठीक है ना मतलब उनकी जो दुनिया है वो अपने से रिलेटेड अपने से जुड़ी हुई चीज़ों में खोए रहते हैं वो ठीक है नेक्स्ट आते हैं हम सेवन टू इलेवन ईयर ये है कॉन्क्रीट ऑपरेशनल कॉन्क्रीट का मतलब जो मूर्त हो है ना जो मूर्त है मतलब जिसको हम टच करके देख सकते हैं जो चीज़ है अब अब आप देखो आपके सराउंडिंग में कुछ भी ऑब्जेक्ट आपको दिखाई दे रहा है जिसको आप टच कर सकते हो मैं अभी ब्लैंकेट में हूँ तो मैं ब्लैंकेट को टच कर रही हूँ तो ये क्या है कॉन्क्रीट है ठीक है आपके पास टैबलेट पड़ा है टैबलेट को आप टच करते हैं तो ये क्या है कॉन्क्रीट है ठीक है जो भी चीज़ ओरिजिनली है वो क्या है कॉन्क्रीट ऑपरेशनल में जाएगी ठीक तो है तो यहाँ देखिए इसमें क्या होता है इनका लॉजिक अप्लाइड हैज़ ऑब्जेक्टिव रेशनल एंड इंटरप्रिटेशन क्या करते हैं आप ये इसमें लॉजिक लगाने लगते हैं बच्चे में और लॉजिकल थिंकिंग डेवलप होने लगती है यहाँ पर ठीक है ना क्या करेगा वो लॉजिक लगा रहा है तो देखिए आपसे क्वेश्चन यहाँ से ऐसे भी बन जाता है कि बच्चा सेंसरी मोटर का यूज़ कहाँ कर रहा है लैंग्वेज डेवलपमेंट कहाँ किस स्टेज में हो रहा है तो आप बताएंगे प्री ऑपरेशनल में हो रहा है फिर कॉन्क्रीट ऑपरेशनल में लॉजिकल थिंकिंग लगाने लगता है हैज़ ऑब्जेक्टिव रेशनल एंड इंटरप्रिटेशन उनमें क्या करने लग जाता है अब देखिए यहाँ एक चीज़ और इंपॉर्टेंट आ जाती है फ्रेंड्स कंजर्वेशन ठीक है नंबर आइडियाज़ क्लासिफिकेशन अब वो क्लासिफाई करने लगता है भाई ये टॉफ़ी है ये मेरा मेरी चॉकलेट है अभी सब चीज़ उसके लिए सेम ही है छोटे बच्चे के लिए तो सब चीज़ सेम है उसको तो सारी चीज़ चॉकलेट ही नज़र आएंगी टॉफ़ी ही नज़र आएंगी खाने की चीज़ होनी चाहिए उसको बट सेवन टू इलेवन ईयर के बच्चे में ये चीज़ें नॉलेज आ जाती हैं भाई ये ये चॉकलेट बड़ी चॉकलेट है ये छोटी चॉकलेट है ठीक है ना ये सारी चीज़ें अब उसके अंदर डेवलप होने लग जाती हैं वो क्लासीफाई करने लग जाता है ये जैम है ये ब्रेड है ये सब चीज़ें उसको जो अपनी पसंद की चीज़ होती हैं वो सब चीज़ यहाँ पर डेवलप होने लग जाती हैं ठीक है तो अभी लेकिन वो वापस नहीं जाता जा पाता इिवर्सिबिलिटी इर्रेवर्स, वाला कॉन्सेप्ट यहाँ डेवलप नहीं होता है रिवर्सिबिलिटी वाला तो हो जाएगा कि कि अब ये ये तो ब, ये तो इसको यहाँ पे कंजर्वेशन का ध्यान रखिएगा मोस्टली फिर सेकंड है आपका ट्वेल्थ ईयर टू ये है फॉर्मल ऑपरेशन क्या हो जाएगा ये फॉर्मल ऑपरेशन इसमें थिंक एबस्ट्रैक्टली यानी बच्चा खो क्या करेगा वो अपने आइडियाज़ में थॉट्स में खो सकता है हाइपोथेटिकल आइडियाज़ बना सकता है बड़े बड़े विचारों को सोच सकता है मम्मा अगर हम ऐसा करेंगे तो ऐसा हो जाएगा मतलब काफ़ी डीप में वो एडल्टहुड में जा रहा है ना तो उसकी थिंकिंग भी ब्रॉड होगी अब देखो छोटे बच्चे कैसे सोचते हैं उनकी दुनिया है वहीं सिमटी रहती है ठीक है पर बड़े बच्चों की दुनिया जो होती है वो अलग ही अब उनको ये नॉलेज होने लग जाती है बड़े अडल्टुड में अ, एंटर करते में कि मम्मा जैसे बच्चे का चुनटू मुंटू नाम रख दिया आपने है ना ये वैसे यहाँ पे भी सेवन टू एलेवन ईयर में भी होने लगता है ये कॉन्सेप्ट तो रहेंगे देखिए कॉन्क्रीट ऑपरेशनल के कॉन्सेप्ट तो यहाँ रहेंगे ट्वेल्व में पर साथ में और भी ऐड हो जाते हैं जैसे इथिक्स डेवलप हो जाएगी पॉलिटिक्स डेवलप हो जाएगी सोशल मोरल इशू ये सब चीज़ क्या है बच्चे में आने लग जाते हैं ठीक है समझ गए तो ये सारी चीज़ें कहाँ डेवलप होती हैं एब्स्ट्रैक्ट थिंकिंग आने लग जाती है कॉन्क्रीट से फॉर्मल अभी जो क्वेश्चन बनाए ना यहाँ से पूछा गया ट्वेंटी वन वाले में फॉर्मल ऑपरेशन में तो थिंक क्या है एब्स्ट्रैक्टली खोए हुए मतलब आइडियाज़ हैं जिन चीज़ों को एब्स्ट्रैक्ट मतलब जिन चीज़ों को हम सिर्फ सोच सकते हैं थॉट में थिंकिंग में छू नहीं सकते महसूस कर सकते हैं मतलब समझ रहे हैं तो वो सारी चीज़ें क्या हो जाती हैं आपकी एब्स्ट्रैक्ट में चली जाती हैं फीलिंग लव अफेक्शन वो सब चीज़ क्या है फॉर्मल ऑपरेशन में चला जाएगा ओके आई होप एक बार और मैं आपको रिवाइज करा देती हूँ क्योंकि इम्पॉर्टेंट है बर्थ टू टू ईयर सेंसरी मोटर होता है आपका स्टेजेस जो है जिसमें साइंस से बच्चा सीखता है ऑब्जेक्ट परमानेंस आ जाता है यहाँ उसे दो से छः ईयर में प्री ऑपरेशनल होता है प्री ऑपरेशनल में क्या है सिम्बॉलिक थिंकिंग सिम्बल से सीखता है लैंग्वेज यूज करता है ईगो सेंट्रिक हो जाता है मेरी मम्मी मेरे पापा मेरे मेरा भाई मेरा मेरी बहन ये सब चीज़ उसमें आने लग जाती है इमेजिनेशन होने लग जाती है ठीक है एक्सपीरियंस होता है और एक्सपीरियंसेस लेते हैं और ग्रो करते रहते हैं साथ में सेवन टू इलेवन ईयर में कॉन्क्रीट ऑपरेशनल उन्हें मूर्त चिंतन होने लगता है मूर्त इन देंस कि कॉन्क्रीट जो चीज़ उनके पास है है ना उस चीज़ को वो ऑब्जर्व करते हैं ठीक है ना अभी तो टू टू सिक्स ईयर में उन्हें इतना कोई कहते हैं ना बच्चों को बहका दिया ऐसे तो वो स्टेजेस यहाँ पे हो सकते लेकिन इस वाली स्टेज के बच्चों को आप बहका नहीं सकते उसे समझ है कि मम्मा क्या कर रही हैं पापा क्या कर रहे हैं सब चीज़ लॉजिक लगाने लगता है हर चीज़ में वो ठीक है हैज़ ऑब्जेक्टिव उसका कोई ऑब्जेक्टिव होता है रेशनल इंटरप्रिटेशन उसमें इंटरप्रिटेशन भी करने लगता है कंजर्वेशन नंबर की समझ हो जाती है उसे कंजर्व करना मतलब ये इस बोतल में इतना ही लीटर पानी है है ना और इसमें इतना इतना पानी आएगा तो इस चीज़ की समझ उसे हो जाएगी कि इसमें एक लीटर डालने में और इसमें एक लीटर डालने में किस में ज़्यादा आएगा ये सब चीज़ उसे समझ आने लग जाती है आइडियाज़ डेवलप हो जाते हैं क्लासिफिकेशन करने लगता है कि ये एक पूँछ वाला ये है ये चार पैर वाला जानवर है ये सब चीज़ वो क्लासिफाई करने लगता है यहाँ उसे नॉलेज हो जाती है इतनी कि ये गाय है ये बकरी है ये सब चीज़ों से आइडिया होने लग जाते हैं बहुत अच्छे से क्लासिफाई कर देता है जानवरों में पक्षियों में अच्छे में ठीक है अब ये लास्ट वाला रह गया फॉर्मल ऑपरेशन इसमें एब्स्ट्रैक्ट थिंकिंग डेवलप होती है यानी कि थॉट्स में खोया रहता है अपनी हाइपोथेसिस बना सकता है अपने विचार सामने दूसरों के सामने ला सकता है ये सारी थिंकिंग कहाँ डेवलप होने लगती है ट्वेल्थ से एडल्ट तक